नमस्कार आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं और पास करने वाले हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है अब आपको फिलहाल बेघर नहीं होना पड़ेगा अपना जिला नहीं छोड़ना होगा अपना प्रखंड नहीं छोड़ना होगा अपना स्कूल नहीं छोड़ना होगा माना जा रहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का नई पोस्टिंग जो है वह अब जून तक होगा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 13 मार्च को उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लगा दी जाए और सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट 20 से 25 मार्च के बीच आने की संभावना है बताई जा रही है कि 23 मार्च को सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा जब 23 मार्च या 25 मार्च को सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा उस समय आदर्श आचार संहिता लगा हुआ रहेगा तो उस समय बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की पावर सीज रहेगी जिला पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी की आदेश चलेगा और उस आदेश के तहत किसी भी कर्मचारी की तबादला या पोस्टिंग नहीं हो सकता है तो माना जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी तो वह मई तक मान लीजिए और जून में संभवतः फिर कार्य शुरू हो जाएगा यह भी तय है कि फिलहाल अपर मुख्य सचिव के के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर फिलहाल नहीं जा रहे हैं लेकिन जब तक चुनाव होगा उसके बाद एक लंबा समय होगा लंबा गैप भी होगा और अगर वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं तो ठीक है और नहीं तो बिहार के अपर मुख्य सचिव के के पाठक को प्रमोशन दिया जाएगा या फिर कुछ और लेकिन पद से हटेंगे यह बिल्कुल तय है उस समय ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी फिलहाल एक और बड़ी चीज़ है कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई उसमें तय हुआ कि इस तिथि तक सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाए और फिलहाल पूरा विभाग शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पूरा ध्यान जो है फर्जी शिक्षकों पर है और एक मुहिम चलाया जा रहा है कि तमाम फर्जी शिक्षकों को पहले साइड कीजिए तो यह अभी फिलहाल जो है तमाम चीज़ों को दरकिनार कर फर्जी शिक्षकों को पकड़ने बाहर करने की कार्रवाई चल रही है इस स्थिति में पूरे चार महीने लमसम मान सकते हैं आपको राहत है बेहतर ढंग से चुनाव करवाइए पर्व त्यौहार मनाइए और हो सकता है कि जब के के पाठक हटे और लोकसभा चुनाव के बाद पुनः बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति भी शुरू हो जाएगी यानी कि बिहार के सभी नेताजी जो हैं वह बिहार विधानसभा के चुनाव में लगेंगे मतदाता को समझाने में तो उस स्थिति में नियोजित शिक्षकों को बेघर करना दूसरे जिले में भेजना थोड़ी सी सरकार के लिए मुश्किल होगी प्रभाव तो सरकार पर पड़ेगा तो नरमी आएगी ही जब प्रभाव पड़ने की बात आएगी तो सरकार में नरमी आएगी ऐसे भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर सरकार में जो भी बैठे लोग हों नियोजित शिक्षकों से इतनी भी दुश्मनी नहीं है कि वह चाहेंगे कि सभी को बेघर कर दे यानी कि सोच बिल्कुल सकारात्मक है लेकिन सरकार भी बार बार ये किचकिची नहीं करवाना चाहती, किरकिरी नहीं करवाना चाह रही है कि कोर्ट से लेकर सड़क तक लोग फर्जी 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 कर रहे हैं सरकार भी चाहती है कि अब फर्जी शिक्षकों को साइड ही करना एक रास्ता बचा है और जब स, स, फर्जी शिक्षक साइड हो जाएंगे हट जाएंगे तो सरकार ऐसे भी नरम है नियोजित शिक्षकों के प्रति उस समय नरमता जो अभी दिख नहीं रही है शायद दिखने लगेगी हालांकि यह तो बड़ी बात है कि जो काम पंद्रह सालों में निगरानी नहीं कर पाया अब केके कर के के पाठक करके दिखा रहे हैं यह भी सच है कि के के पाठक आम लोगों के लिए हीरो हैं चार माह जो समय है उस चार माह के अंदर अभी पहली लिस्ट जारी हुई है करीब 1200 शिक्षक इस जद में आ चुके हैं अगस्त तक के के पाठक भी जाना उनका तय है और जब तक वो रहेंगे तब तक हजारों फर्जी फर्जी शिक्षकों को जगह धरा देंगे यानी कि हटा देंगे सरकार का उद्देश्य शिक्षकों को बेघर करना नहीं है इस उद्देश्य से भी सरकार फिलहाल मौन है आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों नहीं हटाया जा रहा है कि पाठक को तो बहुत सारी ऐसी काम है आप विश्वविद्यालय वाली भी बात सुने हैं वहाँ भी कई ऐसे चीज़ें आ रहे हैं सामने वहीं शिक्षक बहाली में नियोजित शिक्षकों में इन तमाम कामों को जब सरकार के सामने रखा गया होगा तो सरकार भी चाहती है कि ये काम करवा ही लिया जाए फिलहाल जो सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं नहीं दिए हैं उन्हें यह जरूरी है कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा नियम बनाया गया है उसका बखूबी पालन करें और नहीं तो कार्रवाई के जद में आएंगे ही फिलहाल नियोजित शिक्षक जो हैं जो टेंशन में हैं मानिए या न मानिए आप कहिए या न कहिए तमाम नियोजित शिक्षक टेंशन में हैं चाहे वह परीक्षा दिए हो या नहीं दिए हो जो परीक्षा दे दिए हैं वह यह सोच रहे हैं कि कब हमें जाना पड़ जाए कहा नहीं जा सकता है और जो नहीं दिए हैं वह यह सोच रहे हैं कि क्या कुछ होगा लेकिन अब आपके लिए राहत भरी खबर यह है कि फिलहाल चार माह लगभग आप टेंशन मुक्त हैं जब तक नई सरकार की गठन नहीं हो जाता है केंद्र में तब तक आपकी तबादला संभव नहीं है या संभावित बातें हैं आप भी समझ सकते हैं सभी लोग समझते हैं कि जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो किसी की तबादला नहीं किया जा सकता है और बड़ी बात है कि तेरह मार्च को एक तरफ जहां आचार संहिता लगेगा तो दूसरी तरफ पटना कोर्ट में नियोजित शिक्षकों के लिए सुनवाई भी होगी यह उम्मीद जता कि फिर तिथि बढ़ेगा तो एक बार तो तिथि बढ़ी है दूसरी बार बहुत कुछ साफ होगा भले ही फैसला सुरक्षित रख लिया जाए वो अलग बात है लेकिन बहुत कुछ साफ होगा लेकिन खैर कुछ भी हो चाहे इस सरकार और शिक्षा विभाग के आदेश को कुछ भी किया जाए तहस नहस किया जाए या लागू किया जाए लेकिन अब जो सक्षमता परीक्षा में शामिल हो गए हैं उनकी पूरी सर्जरी होगी और जो फर्जी हैं उनको हटेगा उनको हटना तय है दूसरी बात आपको यह भी गर्व होगा जो सही हैं, अब उन पर कोई उंगली फिर कभी नहीं उठेगा जो हमेशा आप डर डर कर प्रतिदिन मरमर के जीते हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं दिए हैं उनकी भी जांच होगी यह तय है भले ही समय लगे लेकिन उनको भी कन्फर्म कर दिया जाएगा क्लियर किया जाएगा तो जांच तो होना ही है लेकिन यह राहत भरी बात है कि आप पर जो कलंक का टीका लगा हुआ है फर्जी का जो फर्जी हट जाएंगे और जो बचेंगे वह स्वच्छ रहेंगे साफ रहेंगे अच्छे रहेंगे फिर कोई मुद्दा ही नहीं बनता है हमेशा इसको लेकर सरकार को भी किरकिरी हो रही है विभाग में भी किरकिरी हो रही है तो कहीं न कहीं यह बेहतर भी है और फिलहाल आप टेंशन मुक्त रहिए जहाँ भी हैं मन लगाकर बच्चों को पढ़ाइए और रहिए कोई अभी फिलहाल दिक्कत होने वाली बात नहीं है क्योंकि कन्फर्म माना जा रहा है कि आचार संहिता तेरह को लगेगा भले ही एक दो दिन आगे पीछे हो लेकिन तेरा को माना जा रहा है आचार संहिता जैसे ही लग जाता है वैसे ही कोई पोस्टिंग नहीं होगी और उससे पहले तो रिजल्ट आना नहीं है जैसा कि सूचना प्राप्त हुई है कि 23 मार्च को आएगा तो 20 से 23 हम मान बीस से 25 मान रहे हैं तो आचार संहिता लग जाएगा रिजल्ट तो आप देख लीजिएगा और उसी समय आपको जिला का नाम भी आ जाएगा कि किस जिला में आपको पोस्टिंग होने वाली है सब चीज़ हो जा सकता है सारी प्रक्रिया चलती रहेगी थम इम्ब्रेशन चलता रहेगा लेकिन आप अपने स्कूल से बाहर फिलहाल चार माह तक नहीं जाने वाले हैं तो ये अति राहत भरी खबर आप इस संबंध में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा और चलते चलते कहना है राहत के साथ आप भी अपना काम कर दीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका और मेरा संबंध बरकरार लगे कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी भी लग सकती है किसी को बुरी भी लग सकती है बुरा लगा हो तो क्षमा करेंगे यानी जो खबर है जो हमें मालूम है जो हम आपको बताना चाहते हैं वो बताएंगे ही हो सकता है आपके नज़र में हमारी बातें खराब लगे या सूचना गलत हो वो आपकी नज़र में है लेकिन जो सूचना हमें अपने सूत्रों के मुताबिक और जो जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुसार आपको बताते हैं समझना जानना आप पर निर्भर करता है कोई हम गुमराह करने की बातें नहीं करते हैं बस जो चीज़ें हैं वो आपके सामने लाते हैं जब इतना कुछ हम सही रूप में कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद